फर्स्ट टेस्ट मैच पहला दिन ऑनर्स थे इवन और अजिंक्य रहाणे ने जड़ दिए 81। हैशटैग आकाशवाणी। अब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है ना, अब टेस्ट मैच जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो डिबेट का बड़ा इशू होता है कि भाई 11 कौन खेले, टॉस जीत के कप्तान ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि 5 दिन के मुकाबले में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भाई टॉस जीता था जेसन होल्डर ने, वेस्ट इंडीज के कप्तान ने, और कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे। देखिए शुरू में बड़ा अच्छा लगा वो फैसला और उनको भी बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि जब 25-3 था भारत तो फिर कहा वाह भाई वाह, देखिए टॉस जीतो फील्डिंग करो तो यही होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं पहले दिन के खेल के बाद क्या, मैं तो लंच टाइम पे भी यही कह रहा था कि ये गलती हो गई है आपसे। अगर आपने टॉस जीत के फील्डिंग कर ली है तो इसका मतलब आखिरी बैटिंग आपको करनी है। इसका मतलब ये कि आपको इंडिया को 100-125 पे आउट करना चाहिए। अगर आप वो भी कर देते हैं तो भी कहानी जो है, जो आपका काम है, आसान होने वाला है नहीं। तो मेरी इस मैच की अर्ली कॉल ये है कि जेसन होल्डर टॉस आपने जीता, लेकिन मुझे लगता है कि आपने लिया है गलत फैसला। हालांकि शुरुआत बहुत बढ़िया थी। अब बात करते हैं विराट कोहली की, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, मतलब बड़े आसानी से प्यार से दी थी। एक तो ये कि हमारे पास दो ओपनर्स हैं, वही इस सीरीज में दो ओपनर्स ओपनिंग करने वाले हैं। तो ये जो आप, मैं बहुत गुफ्तगु कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, रोहित एज एन ओपनर, रोहित एज अ बैकअप ओपनर, रोहित का करियर जो है वो टेस्ट करियर रिसरेक्ट हो सकता है अगर उनको ओपन कराई जाए। इंडियन टीम यहां पे इनको ओपन नहीं कराने वाली है। मयंक अग्रवाल, के एल राहुल आर गोइंग टू बी द टू डेजिग्नेटेड ओपनर्स अनलेस देयर इज एन इंजरी। भाई की चोट लग गई तो बात अलग है, अन्यथा यहां पे बदलाव की गुंजाइश नहीं है। दैट्स वन। टू, अब 6 बल्लेबाजों के साथ भारत उतरा, जो कि मेरे विचार में थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच है। 6 बल्लेबाज, 3 फास्ट बोलर, 1 स्पिनर। वो एक स्पिनर कौन है? रविंद्र जाडेजा। तो जाडेजा इंडिया के इस समय नंबर 1 स्पिनर के रूप में है ओवरसीज मैचेस के लिए। मैं थोड़ा सा हैरान, और हैरान इसलिए नहीं हूं कि जाडेजा क्यों है, मैं हैरान इसलिए हूं कि अश्विन कहां है बॉस, क्योंकि अश्विन ने कुछ 65 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उस अरसे में, उस अपने करियर में उन्होंने जितने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते हैं उतने सचिन तेंदुलकर साहब ने पूरे अपने करियर में नहीं जीते थे। आई मीन उनसे बहुत कम मैच खेले हैं, पाजी 200 मैच खेले थे। देयर इज नो कंपैरिजन, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस खिलाड़ी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। जितने उन्होंने 5 विकेट के हॉल्स चटकाए हैं ना, अगर उतनी कोई सेंचुरीज बना दे तो क्या आप उनको ड्रॉप करेंगे? क्या कहेंगे नहीं नहीं आप मेरे ना फ्रंट लाइन बैट्समैन नहीं हो यार, अब मैं किसी और की तरफ जा रहा हूँ। सी आई एम पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड। इनके 4 शतक हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब पिछली बार गए थे तो मैन ऑफ द सीरीज थे ये, और मैच नहीं खिलाया। चलिए आपने उनको नहीं खिलाया, आपने कुलदीप को भी नहीं खिलाया। कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया? आई डोंट नो, क्योंकि पिछला मैच जब भारत खेला था टेस्ट मैच, इन्होंने 6 विकेट लिए थे यार ऑस्ट्रेलिया में जाके। तभी तो हमने कहा था, तभी तो रवि भाई ने कहा था कि ये जो हमारे कुलदीप जो है, ही इज माय नंबर 1 स्पिनर इन ओवरसीज कंडीशंस। उसके बाद तो कोई मैच ही नहीं हुआ। अब वो टीम में है लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है। आई ऑल्सो फील, जैसे होल्डर की मैंने बात की, दूसरी मेरी कॉल यह है कि भारत ये रिग्रेट करेगा। जब बारी आएगी 5वें दिन हमें आउट करना होगा सामने वाली टीम को ना, तो हम कहेंगे यार एक स्पिनर कहाँ है यार, ये एंटीगा की पिच बड़ी धीमी है यार, इस पे स्पिनर चाहिए था। हनुमा विहारी मे नॉट बी एबल टू डू दैट जॉब। यस, हनुमा इज प्लेइंग। अब शुरुआत करते हैं। पहला जो आउट हुआ वहां पे हैशटैग थैंक यू DRS, आउट नहीं दिया था मयंक अग्रवाल को, रिव्यू किया गया, आउट करार दिए गए। इनफैक्ट अब आप सो गए होंगे रात को, लेकिन रविंद्र जाडेजा के इनसाइड एज पे बॉल लगी थी, उनको आउट करार दिया गया था। वहां पे जाडेजा ने रिव्यू किया, हैशटैग थैंक यू DRS। तो मयंक अग्रवाल आउट हुए क्योंकि होल्डर ने किया था रिव्यू, और जाडेजा बच गए क्योंकि जाडेजा ने किया था रिव्यू। 203/6 है भारत, स्लाइटली प्रिकेरियस सिचुएशन, लेकिन पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जाडेजा अच्छा खेल रहे हैं, 3 बल्लेबाजों ने अभी आना है और 250-270 तक भारत पहुंच जाएगा। तो इट वॉन्ट बी अ बैड टोटल अगर आप कंडीशंस को थोड़ा सा मद्देनजर रखें। मयंक अग्रवाल आउट हो गए, चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, विराट कोहली, रोच ने तो पुजारा और मयंक अग्रवाल को कॉट बिहाइंड करवाया, और गैब्रियल ने आउट किया विराट कोहली को। ज्यादा उछाल वाली गेंद थी, उसके बाद बढ़िया साझेदारी हुई। KL राहुल अच्छा खेले, लेट्स बी फेयर, बहुत तबसरा था कि ये अच्छा नहीं खेलते, अपने मौके बर्बाद कर रहे हैं। मेरे विचार में बहुत बढ़िया थे, आराम आराम से शुरू में खेलते रहे। मिस्ड आउट ऑन 50, थोड़ा सा मेरे हिसाब से खराब शॉट, बिल्कुल नथिंग बॉल था, लेग स्टंप पे था, कैच अच्छा पकड़ा कीपर ने, लेकिन आउट वहां होना नहीं चाहिए था। रहाणे 40 पॉइंट को मौका मिला, एक बड़ा शॉट लगाया, कैच छूटा, कमिंस पीछे भाग रहे थे और कैच छूटा उनसे, लेकिन उसके बाद अच्छी बैटिंग थी। 81 पे आउट हुए, फिर इनसाइड एज लगा, स्टंप पे जाके बॉल लगी, 32 बनाए हनुमा विहारी ने भी। तो ये जो साझेदारी थी,
किसने सडनली बता दिया भाई 6 बैट्समैन खिलाए तो अच्छा ही किया है, लेकिन लेट्स थिंक अबाउट इट। हाँ, जडेजा और अश्विन मिलके भी उतना काम कर सकते थे। अश्विन इज अ फेयरली गुड बैट्समैन और 4 शतक वहां जड़े हैं। हनुमा विहारी किस तरह से आउट हुए, एक रोड की गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए, वहां पर भी ऐसा लगा कि फुट मूवमेंट कोई ज्यादा थी नहीं। तो अब जिस स्थान पर भारत खड़ा है, आई डोंट थिंक दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे शुड नॉट बी, क्योंकि एक और पारी अभी आनी है। 203 बन चुके हैं, 250 तक आप पहुंच जाएंगे। पंत अच्छी बैटिंग करें, 4 बढ़िया चौके वो जड़ चुके हैं, तो उम्मीद यही है कि भारत यहां से 260 तक पहुंचेगा और फिर दबाव डालना शुरू करेगा वेस्ट इंडीज के ऊपर अपनी गेंदबाजी के साथ। वेल, लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। अश्विन के बारे में आपकी क्या राय है, रोहित के ना खेलने के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में जरा, और कुलदीप के ना खेलने के बारे में आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन में ना भर दीजिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। आजकल आकाशवाणी ना भैया 9-10 बजे आती है, रात को ना मैच देखने में आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे, मतलब यू नो डॉक्टर आने वाले हैं।